पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा टपकेश्वर। हमारी मैया की, हमारे सभी देवी देवताओं की, हमारे सभी देव पूजा कार्यकर्ताओं की, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव गांव तक पहुंचा, अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहां मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने ना आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी, ऐसे आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, और आज जिनको भारी बहुमत से टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जनता, जो लगातार कई बार उनको यहां से सांसद बनाकर दिल्ली भेजती रही, आज के दिन बस अब जीतने ही वाली हैं, जीत चुकी हैं वैसे तो, अभी बस इस कार्यक्रम के बाद सीधे सर्टिफिकेट लेने जाने वाली हैं। आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राजपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, विनोद उन्याल बहन जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन आशा नौटियाल जी, अनिल जी, हमारे कोषाध्यक्ष, जिन्होंने पूरे चुनाव अभियान में सारी व्यवस्थाओं को संचालन किया। और सच बताऊं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिन्होंने तमाम ऐसी परेशानियां ऐसे दायित्वों पर रहकर होती हैं, हम लोगों को, वो आदरणीय अध्यक्ष जी को पता भी नहीं लगने दिया, उनका अपने स्तर से ही निराकरण कर दिया। भाई पुनीत मित्तल जी, हमारे मधु चौहान जी,
भी चुनाव को संचालन करने में उनका ही बड़ा योगदान था, और अनिल गोयल जी जिन्होंने पूरे चुनाव में हमारे सभी नेताओं के और मेरा भी, तो जितनी विधानसभाएं पिछले 6 महीने में मैं जहां जहां गया नहीं पाया, जहां उन सभी कार्यक्रम की व्यवस्था करना, कार्यक्रमों को लगवाना, इनका दायित्व श्री अनिल गोयल जी ने बहुत भली भांति उसका निर्वहन किया। हमारे आदित्य कोठारी जी मंच पर आसीन, हमारे जिन्होंने अनेक जगह पर जाकर भी कार्यक्रम किया, हमारी मधु बहन जी और महान जी जो अभी यहाँ, मेरा हो या पार्टी का हो, कोई वक्तव्य हमारा जो है हमेशा प्रमुखता से सारे अखबारों में छपवाने का काम किसी ने किया तो हमारे भाई मीडिया प्रमुख श्री मनदीप चौहान जी ने किया, और श्री आदित्य कोठारी जी, हमारे वीरेंद्र पवार जी और विद्यार्थी बहन जी, और हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ जी, और सभी नीरू बहन जी और सभी उपस्थित यहाँ पर, रविंद्र हमारे राणा जी भी आ गए हैं, और नीरू जी सब सभी उपस्थित हमारे